हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट मैथ्स, पेज नंबर, चैप्टर नंबर फाइव, पेज नंबर 33। लीफिंग पैटर्न यानी पत्ते की पैटर्न। यहाँ पे कुछ पत्ते की पैटर्न दी गई है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। यूजिंग वन लीफ यानी वन लीफ का उपयोग करना है। वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स। हम एक पत्ते का यूज करके अलग अलग प्रकार की पैटर्न बना सकते हैं। सी दिस फाइव लीफी पैटर्न। यहाँ पे देखिए फाइव लीफ की यहाँ पे पैटर्न बनाई गई है। देखिए ये ऐसे पहले तो उल्टा पत्ता है, फिर यहाँ पे सीधा है, फिर यहाँ पे उल्टा है, सीधा है, उल्टा है, ऐसी एक पैटर्न है। फिर यहाँ पे देखिए उल्टा है, फिर यहाँ पे स्लाइड ऐसे टेढ़ा है, फिर यहाँ पे से उल्टा है, यहाँ पे ऐसे टेढ़ा है, ऐसे बनाया है। फिर थर्ड नंबर में ऐसी पैटर्न बनाई है, देखिए। फिर फोर नंबर में ऐसे ऑपोजिट साइड पे रखकर, पत्ते को ऑपोजिट साइड पे रखकर डिजाइन बनाई गई है, पैटर्न बनाई गई है। फिर फाइव नंबर में देखिए कैसी अच्छी तरह की पैटर्न बनाई है पत्ते की, ये देख सकते हैं आपको। नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न्स विथ एरो इन योर नोटबुक। हम अलग अलग प्रकार की पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अपना पेज नंबर निकालेंगे 34। लुक एट द पैटर्न एंड फिल अप द बॉक्सेस। यहाँ पे ये बॉक्सेस है वो आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। सर्कल स्क्वेयर। तो फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, बोलिए स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ, क्या आएगा? सर्कल। तो ड्रॉ वो सर्कल, सेम, ओके। सर्कल स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वेयर, वेरी गुड। फिर स्क्वेयर के बाद क्या आएगा? सर्कल, फिर स्क्वेयर, वेरी गुड। ये ड्रॉ करके इसमें जो कलर है यानी ऑरेंज है, तो हम ये स्क्वेयर सर्कल में ऑरेंज का देंगे, और स्क्वेयर में ग्रीन है तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर पूर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ एरो की गई है, ये सब एरो ऊपर की तरफ ही जाती है, तो हम ये सब एरो ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे करती हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में करते जाइए, ठीक है। हाँ, फिर देखिए यहाँ पे कुछ डॉट है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3, तो हम यहाँ पे कितने करेंगे बिंदी? 1 2 3, तो यहाँ पे हम 4 करेंगे, ठीक है। 3 4, उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद कितने आएंगे? 5। तो 5 डॉट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? इसके बाद 5 के बाद 6 नंबर, तो 6 डॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 6 के बाद 7, तो यहाँ पे 7 डॉट करेंगे, फिर 8। ये आप दो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर एरो की पैटर्न ही आई, यहाँ पे दो दो
एरो साथ में बताई गई है। ये दो एरो ऊपर की तरफ जाती है, फिर ये दो एरो नीचे की तरफ, फिर ये दो ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ऑरेंज और स्काई। तो यहाँ पे हम पहले ऑरेंज कलर की, फिर यहाँ पे स्काई कलर, ये दोनों ऊपर की तरफ हम करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये ऑरेंज और स्काई नीचे की तरफ एरो जाती है, तो हम फिर ऑरेंज, फिर स्काई, फिर ऑरेंज ऊपर की तरफ, फिर ऑरेंज स्काई ऊपर की तरफ। ऐसे आपको ड्रॉ कंप्लीट करनी है पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल ग्रीन कलर का, दो पर्पल डॉट, ट्राइंगल दो डॉट। फिर यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे ये इस तरह का पैटर्न हमको ड्रॉ करना है। मैं करती हूँ, आप देखिए और अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में करते जाइए मेरे साथ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रिटेंगल जैसा बॉक्स बनाया है, तो हम ये से ड्रॉ करेंगे। ये सादा है, फिर इसमें पार्ट बनाया है, ये ऐसा रिटेंगल है, फिर इसमें पार्ट है। तो यहाँ पे हम ऐसे सिंपल बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे तो उसमें क्या पार्ट बनाएंगे, ठीक है, दो पार्ट, फिर सिंपल, फिर उसमें दूसरे सेकंड में पार्ट। यहाँ पे आधा सर्कल बनाया है, देखिए हाफ। यहाँ पे ऐसे सीधा है, फिर उल्टा, सीधा उल्टा, ऐसे बनाया है, तो हम ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए मैं बनाती हूँ, आप देखते जाइए और मेरे साथ बनाइए। इसी तरह आप अपनी फ्रेंड्स के साथ अलग अलग डिफरेंट शेप की हम पैटर्न्स बना